मैं विजय कुमार सिंह आज आप लोगों को प्रकाश के बारे में बतलाने जा रहा हूं। प्रकाश से आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 स्ट्रॉम से 7600 स्ट्रॉम तक होती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। हम लोग कमरे में हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको हम देख लेते हैं। कुर्सी है देख रहे हैं, बेंच है देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख रहे हैं। लेकिन अगर कमरे में प्रकाश ना हो या अंधेरी रात हो तो उस समय हम किसी भी वस्तु को कमरे में उछालेंगे या एक छोटी वस्तु बटन को ही हम कमरे में उछाल देते हैं तो फिर उसको क्या ढूंढ पाएंगे? आसानी से ढूंढने में परेशानी होगी या नहीं भी ढूंढ पाएंगे क्योंकि हमको वह वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम कमरे में लाइट जला दें, ट्यूबलाइट जला दें या किसी अन्य स्रोत से प्रकाश कर दें तो उस वस्तु को हम आसानी से ढूंढ लेंगे, खोज करके आसानी से ला देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक प्रकाश था हम वस्तु को ढूंढ पाने में असमर्थ थे और जब प्रकाश हो गया तो हम वस्तु को आसानी से ढूंढ लेते हैं। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखता है। अर्थात दृष्टि की अनुभूति जिन बाहरी भौतिक कारण के द्वारा हमें होती है हम उस वस्तु को प्रकाश कहते हैं। आइए थोड़ा सा और विचार करते हैं। क्या सभी व्यक्ति प्रकाश के होने पर वस्तु को देख लेते हैं? किसी व्यक्ति को आंखें न हो, एक लाइट, दो लाइट नहीं अनेकों लाइट जला दिया जाए तो क्या वह वस्तु को आसानी से खोज पाएगा, ढूंढ पाएगा? शायद उत्तर आपका होगा नहीं, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा। अतः हम प्रकाश की परिभाषा में एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे, वह यह कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से आंख वाला व्यक्ति ही किसी वस्तु को देख सकता है। अर्थात हमारी दृष्टि की अनुभूति जिन बाहरी भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे प्रकाश तो कहते हैं लेकिन उसी व्यक्ति को दृष्टि की अनुभूति हो सकती है जिसको आंख है या आंख भी है तो ठीक ठाक है। अर्थात प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं लेकिन इसके लिए आंख का होना भी अति आवश्यक है। आइए हम विचार करते हैं कि किसी भी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। प्रकाश जो स्रोत होता है उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है और वह किरणें उस वस्तु पे जाके पड़ती है तो वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वह उसको कुछ न कुछ भाग को परावर्तित करती है। यदि वे परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक पहुंचती है तो हमको उस वस्तु का आभास होता है। अर्थात कहने का मतलब कि इस कमरे में बल्ब जल रहे हैं, कुर्सी हमको दिखाई दे रही है तो जो प्रकाश का स्रोत है लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, वहां से प्रकाश की किरणें उस कुर्सी पर पड़ती हैं और वहां कुर्सी पर से उसका परावर्तन होता है। परावर्तित किरणें हमारी आंख तक पहुंच रही हैं इसलिए कुर्सी का आभास हमें हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कुर्सी को देख नहीं पाते। अगर रात्रि के समय इस क्रिया को किया जाए तो उस समय अगर कमरे में प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको कुर्सी नहीं दिखाई देगी। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमको कोई वस्तु दिखाई। प्रकाश के गुण के बारे में हम कुछ बतलाना चाहेंगे। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश चूंकि हमेशा सरल रेखा में चलती है और जो इसके चलने का पथ है उसको हम किरण कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि किरण को तीर के चिन्ह से सूचित किया जाता है, किरण को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम प्रकाश स्रोत के बारे में। जिस पिंड से या जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य प्रकाश स्रोत का एक अच्छा उदाहरण है, जुगनू प्रकाश स्रोत का एक अच्छा उदाहरण है, लैंप प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है वह दूसरों के प्रकाश से भी चमकती हुई मालूम पड़ती है। तारे के पास अपना प्रकाश है, चांद भी चमकता है लेकिन उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है।
इसलिए चांद प्रकाश स्रोत नहीं है, वह दूसरे के प्रकाश से चमकता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण वह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जुगनू, लैंप, तारे इत्यादि प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर या प्रकाश स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है दीप्त पिंड और एक है अदीप्त पिंड। जिस पिंड के पास अपना प्रकाश होता है उसको हम दीप्त पिंड कहते हैं, और जिस पिंड के पास या जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम अदीप्त पिंड कहते हैं। आते हैं प्रकाश पुंज पर। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही हो और निकलने वाली प्रकाश की किरण एक दिशा में समानांतर जा रही हो, तो वैसे प्रकाश को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम टॉर्च लेते हैं, तो टॉर्च को हम जब ऑन करते हैं तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण एक दिशा में आगे बढ़ती है, तो जो प्रकाश स्रोत उससे निकलता है उस प्रकाश स्रोत को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं, इस बात को समझाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम तीन समान लंबाई का गत्ता लेते हैं और इन गत्तों को समान ऊंचाई पर हम तीन एक ही साइज का क्षेत्र तीनों में करते हैं और 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको किसी हम समतल सतह में खड़ा कर देते हैं। अब इस गत्ते के एक साइड में हम एक लैंप जलाते हैं या किसी अन्य प्रकाश स्रोत को रखते हैं या हम प्रकाश स्रोत के रूप में बल्ब भी रख सकते हैं, तो पाते हैं कि जो बल्ब है या प्रकाश स्रोत है, जो लैंप है, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें कुछ गत्तों से टकराएगी और उसमें से कुछ किरणें हैं जो उसके प्रथम वाले गत्ते के क्षेत्र से आगे निकल जाएंगे। चूंकि सेम लंबाई पर दूसरे गत्ते में भी छिद्र है, वह सीधे आगे बढ़ते हुए दूसरे गत्ते के छिद्र से भी पार निकल जाती है। पुनः यह प्रकाश की किरणें तीसरे गत्ते के छिद्र से भी पार निकल जाती है। यदि यह सरल रेखा में गतिशील नहीं होती तो नीचे या ऊपर छिद्र से जाकर के यह गत्ते से टकरा जाती, क्योंकि गत्ता अपारदर्शी है, वह दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन यह किसी भी गत्ते के अपारदर्शी भाग से जाकर के नहीं टकराती है, क्योंकि एक ही ऊंचाई पर तीनों छिद्र है और इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें तीनों गत्तों के समान ऊंचाई पर अवस्थित छिद्रों से पार होकर के बाहर निकल जाती है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गतिशील होती है। आइए देखते हैं छाया किसको कहते हैं या छाया क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा के रूप में आते हैं। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा ही बनती है। किसी भी अपारदर्शी वस्तु के विपरीत दिशा में प्रकाश स्रोत के ठीक सामने वाली दिशा में एक काला अंधकार क्षेत्र बनता है जिसको हम छाया कहते हैं। छाया के लिए हमेशा प्रकाश और अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है। मान लेते हैं कि ये सूर्य है और ये वृक्ष है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश की किरणें सदैव उत्सर्जित होती रहती हैं, और वृक्ष अपारदर्शी वस्तु है। जब प्रकाश की किरणें इस अपारदर्शी वस्तु अर्थात वृक्ष पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती, फलस्वरूप उसके विपरीत दिशा में जिधर प्रकाश है ठीक उसके उल्टे दिशा में वृक्ष के ही साइज का या वृक्ष की आकृति का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, एक काला अंधेरा क्षेत्र बन रहा है। इस काले अंधेरे क्षेत्र को ही हम छाया कहते हैं। छाया के लिए हमेशा अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है और प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है। जब भी छाया बनेगी प्रकाश स्रोत के ठीक उल्टे दिशा में। एक और चीज है कि छाया, आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह भी बनती है, शाम भी बनती है, दोपहर बनती है। तो सुबह में छाया लंबी होती है और दोपहर में छाया छोटी होती है, अर्थात वस्तु से प्रकाश स्रोत जितना ही दूरी पर होगा इसका मतलब है कि छाया ज्यादा लंबी होगी और प्रकाश स्रोत जितना ही पास होगा छाया कम लंबी होती है। यानी दोपहर को छाया नाम मात्र की होती है, इसका मतलब कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य हमारे ठीक सीध में होता है, इसलिए छाया ज्यादा लंबी नहीं बन पाती। और सुबह में सूर्य चूंकि दूर होता है इसलिए छाया लंबी बनती है, और पुनः दोपहर के बाद यानी मध्याह्न के बाद फिर सूर्य हमसे धीरे धीरे दूर होता जाता है और छाया की लंबाई बढ़ती जाती है। अर्थात जैसे जैसे प्रकाश स्रोत हमसे दूर बढ़ता जाएगा या अपारदर्शी वस्तु से दूर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे छाया की लंबाई
बढ़ती जाएगी। प्रकाश के परावर्तन को जानने के पहले सबसे पहले हम जानते हैं परावर्तन क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हम किसी बॉल को उठा करके यदि दीवार पर फेंके तो दो ही स्थिति आएगी, या तो दीवार से टकराकर बॉल वापस अपने माध्यम में आएगा या दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। दो ही कंडीशन हो सकता है। यदि बॉल दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा तो उसमें परावर्तन की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी परावर्तन नहीं होगा। यदि दीवार से टकरा करके वापस आता है तो उसको हम कहते हैं कि बॉल दीवार से टकरा परावर्तित हो गया। ठीक इसी प्रकार प्रकाश भी अगर किसी माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम के दीवार से टकराता है तो टकराने के बाद यदि अपने माध्यम में वापस आ जाता है तो उसको हम परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें किसी दीवार से, किसी समतल दर्पण से या किसी अन्य चिकने सतहों पर पड़ती है तो वहां पर वह टकराती हैं, आपतित होती हैं और वहां से पुनः जिस तरफ से प्रकाश की किरणें गई हैं उसी दिशा में भले ही उसका एंगल अलग हो आती हैं तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक समतल दर्पण लेते हैं। मान लिया ये एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण का नाम हमने MN रखा। चूंकि ये समतल दर्पण है, दर्पण वही होता है जिसका एक भाग कलई किया होता है और दूसरा भाग चमकीला होता है। इस दर्पण पर किसी भी स्रोत से प्रकाश की एक किरणों को हम आपतित कराते हैं, यानी आकर के गिराते हैं। जहां प्रकाश की किरणें गिरती हैं उस बिंदु को मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो ये ए ओ एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण पर ओ बिंदु पर आकर के गिरती है। तो ये जो बिंदु है ओ, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अर्थात जहां पर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आकर गिरे उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर एक सीधी रेखा यानी लंब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधी रेखा खींची जाती है। ओएन एक सीधी रेखा है यानी लंब है, इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब बोलते हैं। तो हमारा ओएन अभिलंब हुआ और एओ क्या हुआ, आपतित किरण। अब चूंकि किरण इस पर आकर के गिर रही है तो चूंकि दर्पण को तो पार कर नहीं पाएगी, अगर पार कर जाएगी तो परावर्तन होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये अपने ही तरफ लौटेगी लेकिन इसका कोण बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये लौटने वाली किरण है और दर्पण से टकराने के बाद जो किरण लौट रही है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस चित्र में ओबी परावर्तित किरण था। यहां पर हम देख रहे हैं कि ओए आपतित किरण, ओबी परावर्तित किरण और ओएम अविलंब है। तीन चीज हुआ तो हमारा क्लियर हो गया कि आपतित किरण कौन है, अविलंब कौन है, परावर्तित किरण कौन है। इसमें दो चीज और बन रहा है। एक बन रहा है आपतन कोण। तो जो आपतित किरण है और जो अविलंब है इन दोनों के बीच एक कोण बनता है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अर्थात ए ओ और ओएन के बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा आपतन कोण है, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओएन हमारा अविलंब है और ओ भी परावर्तित किरण है। ओबी और ओएन के बीच में एक दूसरा कोण बनता है, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब देखते हैं चित्र में, MN हमारा समतल दर्पण है, इस पे आकर गिरने वाली किरण AO है और यहां से लौटने वाली किरण OB है और इस पर डाला गया लंब या अभिलंब OR है। तो हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब OR तीनों दर्पण के एक ही तरफ के भाग में स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, यानी दर्पण के एक समतल के एक तरफ होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, या इसी को कह सकते हैं I बराबर R। अर्थात ये कोण AON आपतन कोण है और कोण BON परावर्तन कोण है, ये दोनों का मान बराबर होगा। यदि आपतन कोण को I से सूचित करें, परावर्तन कोण को R से सूचित करें, तो I बराबर R, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, एक को कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नियमित परावर्तन की। यदि परावर्तक सतह चिकना हो तो वैसे परावर्तक सतह से जो प्रकाश की किरणें आएंगी और गिर करके वापस अपने माध्यम में जाएंगी, वह एक खास नियम का पालन करती है, इसलिए ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चिकने सतहों से परावर्तन नियमित होता है। इसको और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें अगर समानांतर आपतित होती हैं और आपतन के बाद अगर कोई किरणें परावर्तित होती हैं, तो परावर्तित किरणें भी यदि समानांतर हों, तो हम कहेंगे कि किरणों का नियमित परावर्तन हो रहा है। इसके विपरीत विसरित परावर्तन, अर्थात कोई सतह चिकना न हो, रुखड़ा हो, उबड़ खाबड़ हो, तो वैसे सतह पर आकर के गिरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी खास नियम का पालन नहीं करती हैं। ऐसे परावर्तन को हम मिश्रित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें एक और चीज होता है, क्योंकि इसमें जब प्रकाश की किरणें समानांतर तो आती हैं, लेकिन लौटने वाली किरणें समानांतर होने की संभावना नहीं रहती है या न के बराबर होती है, तो वैसी परिस्थिति में वे कोई खास नियम का पालन नहीं कर पाती। ऐसे परावर्तन को हम विसरित या अनियमित परावर्तन कहेंगे। परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, इसकी सहायता से एक प्रकाशीय यंत्र का निर्माण किया जाता है, जिसकी सहायता से आदमी एक सिरे पर आंख रखकर दूसरे साइड के वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। इसके लिए, इस यंत्र के निर्माण के लिए हम चार गत्ता लेते हैं और उसको घनाभ के आकार के साइज में हम एडजस्ट कर देते हैं। इसके दो छोरों पर हम समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर फिट कर देते हैं। यह हमारा समतल दर्पण है, यह हमारा समतल दर्पण है। इस यंत्र का उपयोग बंकरों में रहने वाले लोग अपने दुश्मनों को देखने के लिए करते हैं, या दूर स्थित बिना बाहर निकले कोई व्यक्ति बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए करता है। इस यंत्र में एक 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण होता है और कोई भी वस्तु जो बाहर होती है उसका प्रतिबिंब इस छिद्र से होकर के इस दर्पण पर बनता है, और इस दर्पण पर बने हुए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में बनता है। क्योंकि ये वस्तु की तरफ छिद्र होती है, इससे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है और दूसरे छोर पर दूसरा समतल दर्पण होता है, जहां हम अपनी आंख रख करके उस पर बन रहे प्रतिबिंब को देखते हैं। तो इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब बनाती हैं और पुनः इस दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब परावर्तित होकर के दूसरे दर्पण पर अपना प्रतिबिंब बनाती है,
जिसमें एक छोटे से छेद के माध्यम से हम उस वस्तु को देख लेते हैं, खतरे को भांप लेते हैं या कौन आया गया जान लेते हैं। चूंकि देख रहे हैं एक बार प्रकाश का तो परावर्तन पहले दर्पण से हो रहा है और इस यंत्र में पुनः उसी प्रकाश का परावर्तन दूसरे दर्पण पर होता है और दूसरे दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक पहुंचती है जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अतः इसमें हमने देखा कि प्रकाश के किरणों का अर्थात एक ही प्रकाश के किरणों का कई बार परावर्तन हुआ, ऐसे परावर्तन को हम परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन कहते हैं। अब रही बात बहु प्रतिबिंब, तो बहु प्रतिबिंब में कोई नया चीज नहीं है, एक ही वस्तु का एक साथ अनेकों प्रतिबिंब प्राप्त करने को हम बहु प्रतिबिंब कहते हैं। इसके लिए हमें कई एक छोटे छोटे समतल दर्पण लेने होंगे। उन समतल दर्पण को फेविकोल की सहायता से या किसी अन्य जोड़ने वाले साधन की सहायता से हम जोड़ देते हैं तो एक हमारा समतल दर्पण प्राप्त होता है। लेकिन अब इस दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो उसका हमें इस छोटे छोटे जुड़े गए दर्पणों में सभी में एक एक प्रतिबिंब बनेगा, या इसके कई एक टुकड़े कर दें तो सभी में हमारा वह प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम एक साथ देख पा रहे हैं एक ही वस्तु का अनेक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ऐसे यंत्र को हम क्या कहते हैं, बहु प्रतिबिंब कहते हैं, या इस तरह से बने प्रतिबिंब को बहु प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें एक और चीज रह जाता है, वह है बहुमूर्ति दर्शी। बहुमूर्ति दर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम समतल दर्पण का उपयोग करके एक ही वस्तु का कई प्रतिबिंब अलग अलग साइज का अलग अलग ढंग का प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम एक बेलनाकार ये घनाभ के आकार का यंत्र या कह सकते हैं कि एक गोलाकार यंत्र लेते हैं या एक बेलनाकार वस्तु लेते हैं। इसमें हम तीन ठो समतल दर्पण लेते हैं और तीनों समतल दर्पण को हम प्रिज्म के साइज में एडजस्ट करेंगे एक साइड में। प्रिज्म का साइज यही होता है लगभग, ये एक दर्पण हो गया, ये एक दर्पण हो गया और एक ठीक इसके पीछे होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो प्रिज्म के साइज में इसको हम एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद उसके दूसरे छोर पर हम कांच की चूड़ियों से इसको एडजस्ट करेंगे और इसमें एक शीशा लगा देंगे। वह शीशा पारदर्शी होना चाहिए। इसके ठीक सामने एक छिद्र कर देंगे। अब दो तरह से हम इस प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं बहुमूर्ति दर्शी को, या तो वस्तु को ठीक इसके सामने रख करके इसका प्रतिबिंब इसमें हम प्राप्त करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में जो हमारा सामने वस्तु रहेगा इसका प्रतिबिंब चूंकि विभिन्न एंगलों पर इसमें तीन समतल दर्पण एडजस्ट हैं तो तीनों में अलग अलग साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, या उसके विपरीत अगर वस्तु को हम इसके सामने रखते हैं तो भी इसका प्रतिबिंब इसमें तीनों एंगलों पर भिन्न साइज का होगा और भिन्न भिन्न आकृति का होगा, जिसको हम यहां से देखेंगे तो लगेगा वस्तु तो एक ही है लेकिन एक साथ अलग अलग साइज में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, उसको बहुमूर्ति दर्शी हम कहते हैं। कभी कभी आप लोग किसी खास शीशे के मंदिर में गए होंगे तो देखे होंगे एक ही साथ हमारा कई एक ढंग का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के रूप में बक्सर में जो नौलखा मंदिर है उसमें बहुमूर्ति दर्शी का एक अच्छा उदाहरण है। उसमें कहीं किसी शीशे में देखते हैं तो हम छोटे हैं, एक ही साथ देखते हैं किसी शीशे में तो हम बड़े हैं, किसी में और बड़े हैं, किसी में नाक टेढ़ा है, वह कोई नई चीज नहीं है। हम वस्तु एक ही है, उसमें केवल शीशे को विभिन्न एंगल से संयोजित करके बहुमूर्ति दर्शी बनाया गया है जिससे हमको उस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और ऐसा साधन जिसमें इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त हो उसको हम बहुमूर्ति दर्शी।